हे व्हाट्स अप गाइस, सभी लोग कैसे हो। तो आज हम फिर से प्ले करने जा रहे हैं GTA 5। तो आपको पता होगा कि पिछले वाले गेम प्ले में हमने एक चाइनीज लो यानी कि चाइनीज गैंग की जान बचाई थी, जो कि उनके पीछे यानी गुंडे पड़े हुए थे। तो भाई हमने एक डील फाइनल की थी उनके साथ। तो उनकी जान बचाने से हमको एक बहुत बड़ी डील का ऑर्डर मिलने वाला था। जब हमने चाइनीज लोगों की जान बचा ली, हम घर पे आ गए ना, फिर उन चाइनीज लोगों का कॉल आया ड्राइवर को। कॉल आने के बाद हम उनसे मिलने गए ना, तो वहाँ पे एकदम यानी उन्होंने बकवास बात की। जो डील हमको वो देने वाले थे ना, तो उन्होंने वो किसी ओनल गेम को पहले से ही दे दी। और वहाँ पे है ना, ड्राइवर का दिमाग एकदम खराब हो चुका था। तो भाई उन्होंने चाइनीज लोगों को मारा ड्राइवर ने। फिर उसके बाद ना पूरी ओनल गेम को खत्म करने अकेला चला गया था उनकी लैब में, यानी कि एक छोटा मोटा घर है वहाँ पे लैब चलाते हैं वो। उनसे फाइट करके ड्राइवर ने ना पूरी लैब जला दी वहाँ पे फाइनली। फिर लाइट जला के हम घर पे आ गए थे। अब हम जो है जाने वाले माइकल को ढूंढने, यानी कि सिटी में अब माइकल को ढूंढने जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमने ड्राइवर के हाथों में कुछ टैटू वैटू बनाए थे, बहुत तगड़े लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो हमने भाई ड्राइवर ने एक दोस्त को काम दिया था माइकल को ढूंढने का, तो शायद वो पता करके आ गया होगा माइकल का। तो अपना घर घर पे इंतजार कर रहा है वो। तो हम चलते हैं ड्राइवर के घर के अंदर। तो ये रहा वो दोस्त जो माइकल का पता करके आ चुका है। तो ये भग क्यों रहा है भाई, मुझसे डर के क्यों भग रहा है तू? वो ड्राइवर बोल रहा है कोई बात नहीं, आजा, नहीं मारूंगा तुझे। भाई ये ड्राइवर से डर के भग रहा है, यानी कि भाई ड्राइवर यानी कि इसको मारेगा। जो काम इसने इसको दिया था ना, उसने ये पूरा नहीं किया होगा। तेरी ऐसी की तेरी साले, मैंने जो तुझे काम दिया था वो पूरा किया या नहीं? तो भाई यानी कि इसको घोसा बिना फालतू को दे लिया हमने। इसने बोला कि हमने है ना, यानी मैंने जो है माइकल का पता लगा लिया है, वो किसी यानी कि लेस सेंटोस की जगह रहता है, यानी कि सिटी में रहता है। तो अब ये है ना हमें माइकल के घर पे ले जाने वाला है जो, और सिटी में यानी कि ड्राइवर का कोई दोस्त नहीं है। तो हम यानी कि इसके दोस्त का कोई यानी कि इसके दोस्त का वहाँ पे कोई दोस्त रहता है, ठीक है। हम उसके घर पे रहेंगे, खाना पीना वही खाएंगे, अपना कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी फिलहाल हमने यानी कि इसके दोस्त ने वहाँ पे कॉल करके बता दिया कि हम आने वाले हैं ड्राइवर को लेके। ओके, तो यहाँ पे रात हो चुकी है हमको, यानी कि बहुत देर से हम चल रहे हैं भाई, रात हो चुकी है पूरी यहाँ पे। ओके, चलते हैं आगे। और यहाँ पे यानी कि रुकना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कुछ यानी पता नहीं, लेकिन रुकने का कोई संकेत दे रहा है भाई। रुकते हैं यहाँ पे, क्या करना है। तो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे लगा भाई गाड़ी में बैठेंगे, बट नहीं, यहाँ पे ऊपर जाना है हमको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे यानी कि इसको थोड़ी बहुत सी यानी कि फील हुआ यानी कि माइकल को याद कर रहा है कि भाई तू यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये अंदर ही अंदर ही बोल रहा है, गुस्सा आ रहा है ड्राइवर को भाई। है ना ड्राइवर एकदम यानी कि माइकल जो है ना एकदम लग्जरी जिंदगी जी रहा है अपनी, और ड्राइवर एकदम टूटे फूटे घर पे, यानी कि एक गड्डी का घर बना हुआ है, तो वहाँ पे अकेला रहता है, एकदम बकवास जगह जहाँ पे बोलने चालने का कोई ढंग नहीं है, गुंडा बन चुका है ड्राइवर। अब बैठते हैं गाड़ी में, हम चलते हैं इसके दोस्त के घर पे, यहाँ हमको रहना है भाई। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे खाना वाना खाना है और मुझे यानी कि सोना है, नींद निकालनी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ चल रही है और मैं बहुत तगड़ी गाड़ी चलाने लगी है, सही बता रहा हूँ। बाकी छोटी मोटी टक्कर तो लग ही जाती है बाकी। ओके, तो फाइनली हम आ चुके हैं उसके दोस्त के घर पे। ओके, तो ये जा रहा है और ये दरवाजा नहीं खोल रहा, तो भाई ड्राइवर ने एकदम लात देके खोला है इसको, स्वागत एकदम लग्जरी तरीके से किया है। तो ये है उसका दोस्त, या ये उसका दोस्त का घर है और हम यहीं पे रहने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। तो खाना वाना लेके आ जाओ, भूख लग रहा है हमको। तो हमने खाना वाना खा के अब निकल रहे हैं हम ड्राइवर यानी कि माइकल को ढूंढने, ड्राइवर माइकल को ढूंढने जाएगा। तो सामने बाइक खड़ी हुई है, तो मैं बाइक लेनी है मुझे, ठीक है। तो बैठते हैं भाई और चलते हैं माइकल को ढूंढने उसके घर पे, ठीक है। तो बाइक बहुत तगड़ी भग रही है भाई यहाँ पे। ओके, तो भाई कैमरा मूव करते हैं अपने यहाँ पे और बहुत ही तगड़ा सीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रियल में गाड़ी चला रहा हूँ सही में भाई, तगड़ा माहौल है एकदम लग्जरी। ओके, तो फाइनली आ चुके हैं माइकल के घर पे। तो ये रहा माइकल का हाउस और अंदर कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही है, आवाज़ आ रही है मुझे। तो माइकल जिम्मी से लड़ाई कर रहा है और इसकी बीवी अमांडा भी कुछ बोल रही है इससे। यहाँ पे ड्राइवर की एंट्री हो चुकी है और दोनों एक दूसरे से दूसरों को देख रहे हैं, बोल रहे हैं माइकल ड्राइवर, एकदम करण अर्जुन जैसी जोड़ी लग रही है इनकी। यानी कि यार ड्राइवर है ना इसकी पूरी फैमिली को जानता है। वो यहाँ पे ड्राइवर बोल रहा है कि ट्रेसी कहाँ गई, जो माइकल की बेटी है। अब माइकल जिमी से पूछ रहा है कि ट्रेसी कहाँ गई। ओके,
ओके, तो वह यहाँ पे जिमी ने बताया है कि जो ट्रेसी है ना वो किसी ऑडिशन यानी कि ऑडिशन में गई है टीवी शो में, ये एक बहुत बड़ा टीवी शो है, तो वहाँ ऑडिशन देने गई है वो अकेली। तो वहाँ पे कौन सा ऑडिशन चल रहा है तो माइकल और ट्रेवर वहाँ पे जाके देखेंगे भाई कैसा यानी कि ऑडिशन चल रहा है वहाँ पे। तो चलते भाई, अरे आ चुका भाई साहब, क्या टिकर मारी है मैंने इसके, भाई मर गया हुआ वो तो सही में भाई, लेकिन टाइम नहीं है, मुझे तो अंदर जाना है, मेरी बेटी क्या कर रही है वो देखना है भाई, बाकी मर गया हुआ भाई सही में, टिकट थी भयंकर लगी उसके। यहाँ पे रुकते हैं, उतरते हैं और चलते हैं अंदर। आ जा माइकल जल्दी से, तेरी बेटी को देख के आते हैं क्या कर रही है वो। जहाँ तक मुझे लगता है ना तेरी बेटी हमेशा ही गंदा ही काम करती है। तो ये रही ट्रेसी और ये रहा जो इसको ऑडिशन में लेके आया छोटे वाले, साले तेरी औकात कैसे हुए, कपड़े कैसे पहन रखे। बाकी नॉर्मल यार, अमेरिका में से चलता रहता है, तो अमेरिका गेम है तो थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ेगा। ओके, यानी कि ट्रेसी ट्रेवर को जानती है भाई, ट्रेवर का नाम ले रही है, यानी कि बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेवर तो यार बहुत दूर अलग गांव में रहता है और ट्रेवर का घर भी नहीं जानता था, तो इसकी फैमिली को कैसे जानता है। ओके कोई नहीं भाई, बाद में पता कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इसका ऑडिशन चालू होने वाला है, तो ये क्या करके दिखाने वाली है यहाँ पे। ओके डांस करेगी, ठीक है भाई डांस देखते हैं कैसा डांस करती है। ये थोड़ा अजीब सा डांस नहीं लग रहा मुझे यार, क्या है ये, कौन सा डांस है भाई ये, ऐसा कौन सा डांस कर रहा है भाई। माइकल थोड़ा टेंशन में है, कैमरा मैन अपना शूट करने में बिजी हो रहा है, और ये ऑडिशन यानी कि जज बैठे हुए यहाँ पे। भाई ये ज्यादा नहीं हो रहा क्या दूध, भाई क्या कर रहा है भाई, सारे यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं भाई ये उसके फादर के सामने ही। अब माइकल को फटक गया दिमाग, ऐसे रोक दिए। वो ट्रैवल भाई कुर्सी लेके तैयार हो चुका है वो तेरी भी इसकी टांग, ट्रैवल मौका नहीं छोड़ता भाई मारने का, तो सही बता रहा हूँ। और ये अपना अपने गले मिल रहे क्या दोनों को दोनों। तो अब चलते हैं भाई उसको पकड़ने, तो प्रोड्यूसर को वो भग चुका है भाई। यहाँ पे ट्रक पकड़ लेता हूँ मैं, ट्रक से पकड़ाई करूंगा उसका। और वो रेड वाली कार लेके भग रहा है भाई प्रोड्यूसर। ओए रुक जा भाई, कहाँ भग रहा है, तेरी ऐसी की तेरी साले मेरी बेटी को नचाएगा तू, हाँ तेरे को भी नचाऊंगा मैं, तू रुक जा भाई, तेरे को नचाऊंगा मैं, तेरे को बहुत शौक है ना लड़कियों को नचाने का, अब तुझे ही नचाऊंगा भाई। एक ट्रक इतना बड़ा है ना कि घूमने में समस्या आ रही है और चलाने में मुझे बहुत समस्या आ रही है। बाकी इसकी पीछे वाली बग्गी हट जाए ना तो एक नंबर चलने वाला है ट्रक। तो यहाँ पे बटन दबा देता हूँ, चलो भाई फाइनली हट चुकी है अपनी बग्गी, अब केवल ट्रक बचा हुआ है। और ट्रक भी बहुत बड़ा है और धीरे भग रहा है। और वो कार कहाँ गई यार, हेलो कार कहाँ गई, ओ रुको रुको बैठ, वो आगे चल रही है भाई। ट्रक इतना बड़ा है ना कि कार ही दिखाई नहीं दे रही, बहुत छोटी कार दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक आ चुका है भाई, रेलवे ट्रैक में यानी कि सरकार ने कैसे अनुमति दे दी इनको चलाने की। हेलो भाई रुक जा, साला रुक ही नहीं रहा यार, क्या खा के पैदा हुआ है ये, रुक जा भाई। अबे वहाँ से जंप कराते, हम भी जंप कराएंगे भाई, ये ले। और वो कहाँ गया भाई, गायब हो गया मैप से, इसका लोकेशन दिखाई नहीं दे रही। ओके सामने, ओके ओके वेट, सामने है यहाँ पे, खड़ा है यहाँ पे। चलो अब इसको सबक सिखाते हैं भाई, तेने हमारी बेटी को कैसे नचा दिया, सारे प्रोड्यूसर तेरी चोटी खींच के है ना, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं साले गंडिया। तो भाई ड्राइवर ने जो बोला था ना वही करके दिखा रहा है, यानी कि इसको वीडियो बना रहा है, वो भी चड्डी में भाई पेंट उतार दी। अब बना इसकी वीडियो वायरल करूंगा मैं। तो भाई प्रोड्यूसर को भगा दिया माइकल ने। अब माइकल और ड्राइवर अपने घर पे जा रहे हैं, तो ड्राइवर तो अपनी गड्डी लेके चला गया भाई, एक इसकी गड्डी नहीं है और की गड्डी भाई, ट्रक उसको वहाँ पे दे के चल जाए ठीक है। और माइकल को यहाँ पे लेस्टर का कॉल आ चुका है, तो लेस्टर कुछ मिशन दे रहा है इसको करने का, तो हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल तो मैं माइकल को अपने घर पे ले जाऊंगा, यानी कि माइकल के घर पे जाना है हमको और वहाँ पे आराम करेंगे। अगले एपिसोड में हम यानी कि लेस्टर क्या बोल रहा है तो वो चेक करने जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे लेस्टर यानी कि ड्राइवर का कॉन्टेक्ट अपने पास आ चुका है, यानी कि उसका नंबर भी आ चुका है ड्राइवर का। तो भाई यहाँ पे गाड़ी बहुत तगड़ी चल रही है और ये बस कहाँ से आ गई, हेलो मेरे को आगे निकलना है। तो लेस्टर का कॉल आ चुका है फिर से, भाई डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, बात कर तो ली मैंने, अरे मान लेगा अगले एपिसोड में तेरा मिशन करूँगा ठीक है, टेंशन ना ले तू ठीक है। तो यहाँ पे खड़ी कर दे और चलते हैं घर के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर हाँ तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है। ऐसे शानदार शानदार वीडियो में आगे और भी लाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ओके बाय बाय, अपना सभी का ध्यान रखना, टेक केयर, ओके बाय।